हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। वर्ड पावर, वी हैव द वर्ड एब्डिकेट। ओके गाइस, जैसा बच्चों आप सब जानते हैं कि वर्ड पावर की हम सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपको वोकैब जरूर याद होगी। 100% श्योरिटी है बेटा, वोकैब याद होगी आपको। यहाँ बेटा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं शॉर्ट वीडियोज, ठीक है बेटा, शॉर्ट वीडियोस। इन वीडियोस की लेंथ होती है आपकी 10-12 मिनट्स की। ओके, इस वीडियो के अंदर बेटा जो वर्ड दिया जाता है उसी का प्रॉपर डिस्कशन होता है, निमोनिक्स होते हैं बेटा, उसी की पिक्चर फॉर्मेशन होती है, एवरीथिंग इज देयर, उसी की स्टोरी होती है। ओके, सो टुडे वी हैव द वर्ड लाइक एब्डिकेट, प्लस इसके साथ बेटा आपको प्रोवाइड की जाती है इसकी पीडीएफ, जिससे आप उन पीडीएफ को सेव रख पाए और इन पीडीएफ से बेटा आपको वर्ड याद होगा। तो यू कैन जस्ट हैव द रिकॉर्ड फॉर ऑल दोज वर्ड्स इन पीडीएफ फॉर्मेशन एंड इन वीडियो फॉर्मेशन। तो 100% श्योरिटी है कि वोकैब आपको जरूर याद होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना हो। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आज का हमारा वर्ड। बिल्कुल सही सा वर्ड है एब्डिकेट, बहुत सारे एग्जाम्स में बेटा पूछा जा चुका है। सो लेट्स सी कैसे इस वर्ड को याद करेंगे। आज बच्चे शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा कोशिश करते हैं एक पिक्चर दिखाने की, पिक्चर की मदद से आपको ये समझाते हैं कि वर्ड कैसे याद होगा। ठीक है, तो इस वर्ड को याद करने की टेक्निक हमारे सामने बिल्कुल सही से है बेटा। वर्ड है हमारा एब्डिकेट, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो थ्रोन, एक सिंहासन है, एक आदमी उसको लीव करके जा रहा है। ठीक है, राज मुकुट से पता चल रहा है, मुकुट से कि ये कोई ना कोई राजा ही होगा। ओके, सो गाइस एब्डिकेट कुछ आपको लग रहा है ना कि कोई आदमी अपनी पोस्ट को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, इस पिक्चर को अपने दिमाग पे बिल्कुल सेट करो पहले कि एब्डिकेट पे जो हमारी इमेज थी वो कहीं ना कहीं एक चेयर है, एक आदमी उसको छोड़ के जा रहा है, यानी कि वो अपनी जो रॉयल पावर्स है वो उनको छोड़ता है और उसने अपना क्राउन भी वहीं छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब वो अपनी पावर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक, सो दैट इज कॉल्ड द एब्डिकेट। मैं आपको फिर बता दूं गाइस, ये बात हमेशा याद रखो कि आपकी जो मेमोरी होती है बेटा, पिक्चर मेमोरी, दैट इज 40% फास्टर देन योर लिसनिंग और रीडिंग मेमोरी। ओके, उससे बेटा 40% फास्टर है। तो अगर आप इसको इमेज बना लें एब्डिकेट को, तो आपको हमेशा याद रहेगा, 100% याद रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम जरा शुरू करते हैं वर्ड को लेकर बेटा। ये हमारा वर्ड है एब्डिकेट, दैट इज एब्डिकेट। व्हाट इज एब्डिकेट? इट्स त्यागना या सत्ता त्यागना, मतलब समझ लो सत्ता को त्याग देना या त्याग देना, कुछ भी। जस्ट हैव अ लुक ओवर द पिक्चर। मैं बार बार कहूंगा पिक्चर को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, एक बार आंख बंद करके जैसे कैमरे से पिक्चर इमेज को कैप्चर कर लेते हैं ना, ऐसे दिमाग में कैप्चर करके सेव करो। जैसे चेयर सामने आए आपको एब्डिकेट दिखना चाहिए, बात समझ गए? जब भी आपको चेयर सामने दिखाई दे आपको चेयर के साथ एक वर्ड याद आना चाहिए। अच्छा, एब्डिकेट, चेयर को ही तो छोड़ने वाली बात थी एब्डिकेट। ठीक है, सो ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, सो मीनिंग क्या होती है ऑफ अ मोनार्क? यूजुअली मोनार्क के लिए आता है। रिनाउंस माने त्याग देना, वंश थ्रोन, अपने थ्रोन को यानी कि अपने सिंहासन को त्याग देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। ओके, जब सब कुछ डिकी होगा तो राजा एब्डिकेट करेगा। देखो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस स्टोरी से, इस कीवर्ड से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे हमने कहा एब्डिकेट, अब एब्डिकेट में थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। एब्डी वर्ड तो याद आ रहा है बेटा, एब्डी तो याद ही हो रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये वर्ड है डिकेट। अगर मैं इस डिकेट को डिके की फॉर्मेशन में देखूं कि हमने कहा डिके होगा, ठीक है, तो डिके हम सब जानते हैं कि अगर हमारे टीथ कमजोर होते हैं तो डिके होने लग जाते हैं, कैल्शियम डिके हो जाता है। तो डिके होना मतलब कमजोर होना। तो आप इसको कुछ ऐसे याद करो, जब सब कुछ डिके होगा तो राजा एब्डिकेट करेगा, यानी कि जब सब कुछ खत्म होता चला जाएगा, बर्बाद होता चला जाएगा, तो राजा के पास एक ही कंडीशन रह जाएगी कि वो एब्डिकेट कर दे, यानी कि वो छोड़ दे कि भी मुझसे सिंहासन नहीं चलाया जा रहा है, मुझसे किंगडम नहीं चलाया जा रहा है, मुझसे सब्जेक्ट्स नहीं संभाले जा रहे। बेटा मैंने जो वर्ड बोला है ना सब्जेक्ट्स, इसे याद रखना, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा। ओके, सब्जेक्ट मतलब हमारा विषय भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स होता है, लेकिन सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा भी होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड। सो गाइस, नाउ यू कैन सी द पिक्चर एब्डिकेट, बिल्कुल दिमाग में सेट रखो, बिल्कुल भूलना नहीं है एब्डिकेट को। ठीक है, अब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लेते हैं बेटा। एब्डिकेट एक वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म होगी एब्डिकेटेड, पास्ट पार्टिसिपल होगा एब्डिकेटेड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा एब्डिकेटिंग। ओके, एडजेक्टिव होगा बेटा एब्डिकेबल, सीधी बात है, एबीएलई आ गया तो एडजेक्टिव ही बनेगा। और नाउन होता है बेटा एब्डिकेशन, त्याग, यानी कि एब्डिकेटर, त्यागने वाला। ओके, सो एब्डिकेशन नाउन होगा, एब्डिकेटर नाउन होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड गाइस, मैंने आपको बताया ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लोज टेस्ट और वहां सब में बहुत ज्यादा काम आती है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरूर याद करो, क्योंकि कभी कभी
डायरेक्ट वर्ड हमें याद होता है, वी आर अनेबल टू गेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके लेट्स सी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बेटा, ऐसे एग्जाम्पल जो आजकल हमारे सामने चल रहे हैं रामायण महाभारत में, तो मैं वही बता रहा हूँ। महाभारत में पांडु ने अपना सिंहासन एब्डिकेट किया। जब पांडु ने कहा था कि भाई अब मैं सिंहासन नहीं चला सकता हूँ, मतलब आई डिड सम इमोरल एक्ट्स, तो अब उसने क्या कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, त्याग दिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो आपको याद रहेंगे। पांडु ने एब्डिकेट किया, कम से कम दो या तीन बार लाइनों को बोलने की कोशिश करेंगे और कई सब कुछ याद होगा। जैसे भरत ने भगवान राम के लिए अपने राज्य का सिंहासन एब्डिकेट किया। बेटा बिल्कुल सही बात है, सबको स्टोरी पता है कि भरत ने क्या कर दिया था, राज सिंहासन छोड़ दिया था अपने भाई के लिए। ठीक है कि मैं उस सिंहासन पे नहीं बैठूंगा जब तक भाई नहीं आ जाते, या मतलब भाई आके वो बैठेंगे। सो दैट इज कॉल्ड भरत ने भगवान राम के लिए अपने राज्य का सिंहासन एब्डिकेट किया। ठीक बेटा, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल जो आपको हमेशा लाइफ में याद रहेंगे, कोई भी नहीं भूलोगे। ठीक है, कुछ राजा अपना सिंहासन एब्डिकेट नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना सिंहासन एब्डिकेट नहीं करना चाहते, जैसे धृतराष्ट्र। ठीक है, आपने धृतराष्ट्र का इंसिडेंट देखा था कि सिर्फ सिंहासन से इतना प्यार था कि सब कुछ खत्म कर दिया। तो कुछ राजा अपना सिंहासन एब्डिकेट नहीं करना चाहते। ठीक, सो यूजुअली एब्डिकेट बेटा यही यूज होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल और देखो आप। एडवर्ड 8 abdicated after a reign of 325 days, मतलब सिर्फ 325 दिन उन्होंने राज्य के या फिर छोड़ दिया, in favor of his brother, अपने brother के favor में, the Duke of York, जो Duke था कहां का, York का, who became King George VI, okay, जो King बना था George VI के नाम से। Next, guys, next है, when King Edward VIII abdicated in December 1936, it was a shock to the nation, मतलब जब एडवर्ड 8 ने एब्डिकेटेड किया, मतलब उन्होंने कहा कि मैं सिंहासन को छोड़ रहा हूं, त्याग रहा हूं, तो इन दिसंबर 1936 इट वाज अ ग्रेट शॉक टू द नेशन, नेशन के लिए बहुत बड़ा शॉक था। ओके नाउ इफ द czar हैड एब्डिकेटेड, व्हाट वुड हैपन टू अस, अगर ये लोग एब्डिकेट कर देंगे, ओके, तो व्हाट वुड हैपन टू अस, तो हमारे साथ फिर क्या होगा। ठीक, तो गाइस बिल्कुल ठीक से समझ आ रहा होगा, एब्डिकेट माने त्याग देना होता है, सिंहासन त्याग देना। मैंने आपको इंग्लिश के भी एग्जांपल दिए, हिंदी के भी एग्जांपल दिए, कोई ना कोई एग्जांपल तो याद रहेगा बेटा। 6 एग्जांपल हमने डिस्कस किए, 6 में से एक ना एक एग्जांपल जरूर याद रहेगा। मुझे लगता है कि इंग्लिश वाले शायद आपको याद ना रहे, कि एडवर्ड 8 हमें याद ना रहे या czar हमें याद ना रहे, लेकिन हम बेटा जो हिंदी के एग्जांपल है, भरत वाला या फिर हमने कहा धृतराष्ट्र वाला, ठीक है, उन एग्जांपल्स को हम बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके गाइस, पांडु वाला एग्जांपल भी आसान था, वो भी हम याद रख पाएंगे। ओके सो गाइस, लास्ट में फिर दोबारा से वही पिक्चर आपके सामने है, द वर्ड इज एब्डिकेट। आपको पिक्चर से बिल्कुल याद हो गया होगा कि आप एक सीट को छोड़ रहे हो, सीट का मतलब, चेयर का मतलब ही बेटा होता है एक पोजीशन। ऑलवेज रिमेंबर, चेयर का मतलब ही क्या है, चेयर का मतलब ही एक पोजीशन है। तो आप एक पोजीशन को रिनाउंस करते हो, छोड़ते हो, त्याग देते हो, इट इज कॉल्ड योर एब्डिकेट। ओके सो गाइज, हाउ वॉज द सेशन, आपको ये सेशन कैसा लगा, आप जरूर अपने वैल्यूएबल जो कॉमेंट्स है जरूर देंगे बेटा, कॉमेंट सेक्शन में बताया करो। हाँ, इन वीडियोज में अगर आप कोई चेंज चाहते हैं, वैसे तो बेटा बहुत सोचने के बाद में कि क्या हमें कराना है, क्योंकि देखो मेरा अपना एक मोटो है कि ये हजारों वर्ड्स होते हैं बेटा, थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स को इनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं एक ऐसी चेन चलाना चाहता हूँ कि इस चेन में हम एक एक वर्ड को डेली पढ़ें। और बेटा सुबह सुबह अगर आप 10 से 12 मिनट देते हैं वीडियो देखने के लिए, साथ में मैं आपको पीडीएफ शेयर करते रहूंगा, उन पीडीएफ को सेव करते रहना, तो गाइस वोकैब याद हो जाएगी, क्योंकि हम एक वर्ड भी पर डे याद करते हैं तो बहुत कुछ होता है बेटा। ठीक है, तो दैट इज, ये हमारे बेटा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डॉक्टर अमित इंग्लिश दुनिया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और बेटा टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम होगा, ये हमारा मेल आईडी है, और ये बेटा सबसे जरूरी है, इस नंबर को आप सेव कर लेना, 8791391241। और आपको कोई भी क्वेरी है आप यहाँ व्हाट्सएप करें, ठीक है, व्हाट्सएप करें, आई ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। एंड वीडियो आपको जैसी भी लगी बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और बेटा जरूर जरूर आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास। और ये हमारी एप्लीकेशन है लर्न टू क्रैक, इसे बेटा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देंगे, फॉर द फर्दर बैचेस, जो भी आपके बैचेस होते हैं उनके लिए बेटा यहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास तक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।